चलो तो कॉस प्लस क्या है? कॉस प्लस प्रॉफिट है पहले, तो कॉस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग और एडवाइस प्रॉफिट। हाँ लोडिंग लिखते थे ना सर? नहीं ना, लोडिंग लिखा प्रॉफिट क्या फर्क पड़ गया? इनवाइस प्राइस तो 100 कॉस्ट है प्लस 33.333, तो ये क्या 133.333 है। क्या क्या आइटम है? पहला ओपनिंग स्टॉक 15,000 है, वेट आगे में भागना खड्डा है अपॉन 133.3। जब हम लोग ऐसा कैलकुलेट 33.3 आएगा तो पेज नंबर क्या था? देखा अभी हम लोग कैलकुलेट कर 15,000 इंटू 33.33 डिवाइड बाय 133.333 कितना आ रहा है? 3749.6 आ रहा ना? 3749.6 क्या क्या सेवन आ रहा है? तो जब पे तो 33 आया तो क्या करना है? कैलसी पे 333 लिखने को तो लिख दो, जब पे 3 2 टू डिजिट तक, लेकिन कैलसी पे जब लेंगे तो 4-5 डिजिट 3 3 लेने का बोला। तो 15,000 इंटू 33.333 पाँच छः डिजिट ले लो, डिवाइड बाय 133.333 ले लो। अब करोगे तो आएगा करीब 3749.999, तो हो गया 3750 आएगा, 59.99। चल हो गया ओपन स्टॉक। वैसे क्या है तो पे गुड सेंट, गुड सेंट13,400 × 33.333 / 133.333 = 13,400 × 33.333 = 13,499.99। चल ये आ गया पहला इनवाइस प्राइस का, सब लोडिंग कर लिया। अब शुरू करते हैं रेडी स्टॉक ब्रांच अकाउंट में ओपन स्टॉक पहला इनवाइस प्राइस पे 15,000, उसके बाद है डेटर्स 11,400 ओपन स्टॉक का लोडिंग अपोजिट साइड में बाय स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व इनवाइस प्राइस है मतलब लोडिंग, लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना 15,000 कितना सॉरी 375। हाँ जो ओपनिंग स्टॉक का लोडिंग है ना, हाँ तो आपने यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखा। धन्यवाद मैडम। चलिए
वुड सेंड टू ब्रांच, वुड सेंड टू ब्रांच इनवाइस प्राइस 67 फाइव वुड सेंड टू ब्रांच लोन फिर क्या दिया एक्सपेंस एट ब्रांच, ब्रांच का खर्चा तो ब्रांच का खर्चा कौन भी एक्ट किया जाएगा एक्चुअल तो ब्रांच टू कैश बैंक ब्रांच एक्सपेंस जब तक ये नहीं बोलता कि ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय द ब्रांच अपने जेब से दिया है तब तक समझे को एक्चुअल नहीं दिया उसको 6,700 स्टॉक दे दिया क्लोजिंग बाय बैलेंस कैरी डाउन तो स्टॉक इनवाइस प्राइस पे 13,400 एमजे पे उसका लोडिंग लिख दिया साइड टू स्टॉक रिजर्व लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक 3,355 अब क्या है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर वो तो डायरेक्ट जाता नहीं है बैड डेब्ट्स वो भी इसमें नहीं आएगा डिस्काउंट अलाउड भी नहीं आएगा और सेल्स भी कुछ नहीं आएगा ओके ना लेकिन जब डेटर ओपनिंग है तो क्लोजिंग डेट भी रहेगा तो डेटर निकालना पड़ेगा हमें तो डेटर के लिए क्या तो दोबारा वर्किंग नोट डेटर्स अकाउंट पर टू बैलेंस ब्रोक डाउन ओपनिंग डेटर कितना था 11,400 बट वी डोंट हैव अ क्लोजिंग डेटर वो तो कैलकुलेट करना अपने ओपनिंग डेटर दिया है क्लोजिंग डेटर नहीं है अब क्या कर दिया डेटर से रिलेटेड मैटर देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर क्या एंट्री है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कैश बैंक टू ब्रांच आप क्या बोल रहे कैश बैंक टू ब्रांच नहीं चल अब कल के दिमाग में है क्या डेटर का कोई इंक्रीज करते हैं क्या हम लोग क्या आप ब्रांच बोल रही हो कितने सम हो गए हैं डेटर का एक एंट्री में मैंने इधर किया है क्या झुक मारते हो तो आप लोग क्या ज्यादा आसमान में मत उड़ो वो नसीब हर जगह साथ नहीं देने वाला है वो अभी अप्रैल मई में मान पड़ जाएगा सारा आपका जब रिटर्न एग्जाम होगा तो चलिए कथा सुनो बाय कैश बैंक सो बाय कैश बैंक कलेक्शन फ्रॉम डेटर 40,000 बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट टू डेटर सो बैड डेब्ट टू डेटर 250 देन डिस्काउंट अलाउड बाय डिस्काउंट अलाउड 47,400 बस और कुछ रिटर्न डेटर मैटर नहीं है 11,400 माइनस 40,550 8,250 ये हो गया क्लोजिंग डेट इज क्लोजिंग डेटर 8,250 अब एक काम बच गया रेमिटेंस रेमिटेंस टू एचओ तो रेमिटेंस टू एचओ करने के लिए डेटर्स वैसे कितना मिला वो देखना
रीडर से कलेक्शन ही हुआ है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो डेटर से कलेक्शन 40,000 का हुआ था। उसके बाद क्या था, कैश सेल दिया हुआ पूछा है 31,000 कैश सेल्स, 31,000 और तो कुछ पेमेंट में कुछ हुआ नहीं है, तो 71,000 कलेक्शन बाय कैश बैंक अकाउंट $71,000, $16,750, $71,000, $13,400, $8,250, $1,13,150 कितना दिया आंसर है बस। तो फिर स्टार्ट आप इनवाइस का पॉइंट है, तो जो इनवाइस है उसका लोडिंग निकालना है पहले, अनलोडिंग का एंट्री अपोजिट, तो ओपनिंग स्टॉक का उसका लोडिंग क्रेडिट है, बुक्स एंड ब्रांच का तो सेम वर्ड यूज करके लोडिंग क्रेडिट है, क्लोजिंग स्टॉक तो उसका लोडिंग डेबिट साइड, और बुक्स ब्रांच ने क्या एक्सपेंस के लिए पे किया है, उसका डेटा का चार आइटम होता है, क्रेडिट सेल्स, कलेक्शन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, चार में से एक भी आइटम मिसिंग रहा तो यू हैव टू गो फॉर अ डेटा अकाउंट, तब जब क्रेडिट सेल भी दिया हुआ है, कलेक्शन भी दिया, ओपनिंग दिया, तीन गया है, क्लोजिंग आ गया, सो क्लोजिंग आ गया बस। और फिर रेमिटेंस में कलेक्शन फ्रॉम डेटर और कैश का जो अमाउंट है दैट विल गो टू द रेमिटेंस। स्पाउस की दीदी